आज तो मैं धन्य हो गया हूँ जो आप हमारे दरबार में आए हो। बड़ा ही स्वागत सम्मान किया, महाराज दशरथ ने भोजन करवाया और फिर कहा, महाराज कहो कैसे आना हुआ, कहो महाराज कैसे आना हुआ, आने का कारण बताइएगा। भक्त विश्वामित्र जी महाराज कहने लगे, राजन मैं अपने आश्रम में यज्ञ करवाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे राक्षस लोग बहुत सता रहे हैं, मेरी यज्ञ पूर्ण नहीं होने दे रहे हैं। राजन कि मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख मुझको राक्षस देते हैं, पूजा सामग्री हवन आदि सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। राजन मैं अपने दरबार में यज्ञ करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे राक्षस लोग निशाचर बड़े ही सता रहे हैं, मेरी यज्ञ पूर्ण ही नहीं होने देते, बीच में ही सब नष्ट भ्रष्ट कर देते, इसलिए महाराज मैं अपनी रक्षा के लिए यज्ञ को पूर्ण करने के लिए आपके बेटा राम को ले जाना चाहता हूँ। महाराज दशरथ ने सुना, मुनिवर राम को? हाँ। अरे महाराज ये तुमने क्या मांग लिया, अरे महाराज ये तुमने क्या मांग लिया है, अरे मेरे बालक अभी छोटे हैं, शिव कुमारे हैं, आपकी रक्षा करने के लायक नहीं है महाराज। अरे महाराज जरा विचार करो, अरे महाराज मुझे चौथे पन में मुझे चार पुत्र मिले हैं महाराज, वो ऐसे नहीं जब मैंने पुत्र यज्ञ करवाया है तब, और उनमें से जो मेरा सबसे प्रिय बेटा राम है आप उसी को लिए जा रहे हो। कि चौथे पन पायो सुत चारी उबरी पे बचने नहीं कहे बिचारी, चौथे पने पायो सुत चारी अरे महाराज मुझे चौथे पन में चार पुत्र मिले, अरे तुमने क्या मांग लिया। फिर महाराज अभी मेरे बालक छोटे हैं, शिव कुमारे हैं, आपकी रक्षा करने के लायक नहीं है महाराज, मैं चलूंगा ना तुम्हारी यज्ञ पूर्ण करा करके, मैं फिर आऊंगा भारी सेना के साथ में, मैं चलूंगा तुम्हारी यज्ञ पूर्ण कराने के लिए। लेकिन आज मुनिवर कह रहे नहीं राजन, मैं सिर्फ राम लक्ष्मण को ही ले जाऊंगा। आज महाराज दशरथ बतला रहे हैं मुनिवर, अभी मेरे बालक छोटे हैं, शिव कुमारे हैं, कहते हैं क्या सुनो राजन, के हुए अब हीना 16 साल, हुए अब हीना 16 साल, मैं कैसे दे दूं अपने लाल, हुए अब हीना 16 साल, महाराज दशरथ कहने लगे राजन अभी मेरे बालक छोटे हैं, शिव कुमार, लेकिन आज विश्वामित्र जी महाराज नहीं मान रहे हैं, धन्य है भगवान की लीला, उसी समय आज गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज आ गए। समय के अनुसार महाराज दशरथ को धीरज बनाया और कहा, राजन आप निश्चिंत होकर के अवश्य ही राम लक्ष्मण को मुनिवर के साथ में भेज दो। आज भक्तों महाराज दशरथ गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज की आज्ञा के अनुसार आज अपने दोनों बेटा राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी महाराज के साथ में भेज दिया है। सरस्वती के दो सुकुमार मांग लिए रक्षा को अपने, राक्षस मुझको रहे सताई, आगे आगे राम चलते हैं, पीछे चल रहे लखन कुमार, आगे आगे राम चलते हैं।
मन ज्ञानी धीरे धीरे पग को धाय। ओह बनी जंगल की भयानक दिखता चारों और पहाड़, नाम ताड़ता आई राक्षसी मोह भारत आई चिल्लार। विश्वामित्र कहे रघुपति से राम बचा लो इससे हाय। खा जाती है कच्चा मांस हड्डी मांस करे आहार, राम बचाओ इस राक्षस से नहीं तो डालेगी हमार। फिर बनाया है रघुनंदन अपनों कर दियो बाण प्रहर है, अपनों कर दियो बाण प्रहर।